आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान खान जो कि पूर्व अध्यक्ष गोलीबार गांजा खेती तो व्यापारी संघ के हुआ पूर्व अध्यक्ष हो। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन का जो वायरस अभी काफी बढ़ गया है, लोगों में एक संक्रमण का दहशत भी है और देखा गया कि व्यापार में भी काफी मंदी चल रही है, तो आप एक ट्रेडर्स हो, आप पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हो, तो किस तरह का मंदी का ट्रेडर सामना कर रहे हो उस बारे में बताइए। देखिए, व्यापार जो है इस कृषि प्रधान देश में भी दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जहाँ से इस देश की अर्थव्यवस्था और ये सारी चीज़ें रन होती है। उसके अलावा जब ओमिक्रॉन का जब बात आई तो इससे व्यापार में काफ़ी मंदी आई है। आज हम रास्तों पे देख रहे हो रश नहीं है, रश कभी दिखता भी है तो दुकानों में भीड़ नहीं है, दुकानों में ग्राहक एकदम से कम हो गए अभी, क्योंकि फिर अनसर्टेनिटी का माहौल आ गया, क्योंकि हमने दो लॉकडाउन झेले इसके पहले पिछले दो सालों में, तो काफ़ी हद तक बड़ी मंदी है अभी इस दौर में। सेंसेक्स में भी काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव हो रहे हैं, ये एक मुख्य कारण है इस बीमारी से लोगों में दहशत की वजह से, क्योंकि जो सेकंड वेव आई थी इसके अंदर जो जान हानि हुई है ये बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास पैसों का आज तक अभाव है उसको लेकर के। ये चीज़ों को देखते हुए अभी व्यापार में मेरा ऐसा मानना है कि व्यापार तकरीबन आधे हालात पे पहुंच चुका है, 50% ही हमारा काम हो रहा है यहाँ पर और 50% हमारा नहीं हो रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। और मेरी सरकार से इस बारे में फिर वो है कि सख्त नियमों के वजह से व्यापारियों को कोई बड़ी हानि नहीं हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, क्योंकि सारी लोगों का अपनी सुविधाएं जो सरकारी अधिकारी है सरकारी कर्मचारी है इनको रेगुलर पेमेंट जाता है, उनकी रेगुलर काम जारी रहते हैं, लेकिन हम लोगों का व्यापार बंद मतलब हमारी आवक बंद, हमारी आवक बंद मतलब हमारे जो नीचे काम करने वाले कर्मचारी है उनकी आवक बंद, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर हमारा नुकसान होता है। बताते चले कि जो प्रशासन है, प्रशासन एक तरफ व्यापारी को समर्थन के बजाय देखा जाए तो उन पर ठीकरा फोड़ रहा है, काफी ये लोग भीड़ जमा करते हैं, सोशल डिस्टेंस मास्क का यूज नहीं करते, इवन उनके यहाँ के एम्प्लॉय का भी इन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, ऐसा ठीकरा प्रशासन अक्सर फोड़ता है व्यापारियों पर, तो उस बारे में आप क्या कहो? देखिए, जान की चिंता किसको नहीं रहती, सबको रहती है, और दुकानदार जो है मोस्टली ज्यादातर वैक्सीनेटेड है, दो डोज उनके हो चुके हैं। हमने फिर प्रशासन से निवेदन किया कि हमको आप पहली पंक्ति में लाके खड़ा करिए और हमको तीसरा डोज भी दीजिए, बूस्टर डोज जो अभी सरकार ने निकाला है डॉक्टर्स के लिए, ये हम चाहते हैं कि हमारे को भी दो, हम इस समाज के मुख्य अंग है, व्यापारी होने के नाते हम इस समाज के मुख्य अंग है, हमको सुरक्षित रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है, हम भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, ऐसा कहीं नहीं कि हम इसका पालन नहीं करते हैं। और भी कई बातें मैं आपको बता दूं, सरकार ने मेट्रो चालू करी है अभी यहाँ पर, आप इतवार के दिन देखिए वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है मेट्रो के अंदर, इतना रश रहता है, सरकारी कई कार्यक्रम होते हैं, आज छोटी सी बात लीजिए 26 जनवरी का कार्यक्रम है, वह इतना बड़ा पेंडाल डाला जा रहा है कस्तूरचंद पार्क में कि वहाँ जहाँ पे हजारों लोग आए, क्या वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, क्या वहाँ मास्क का बराबर उपयोग होगा, क्या वहाँ पे जो बच्चे आएंगे स्कूलों से वहाँ पे लोग आएंगे वो क्या 100% वैक्सीनेटेड रहेंगे, नहीं रहेंगे। एक तरफ ये दूजा भाव नहीं करना चाहिए, प्रशासन का काम है, फाइन कौन दे रहा है आज, दुकानदारों से फाइन वसूली जा रही है सब चीजों के नाम पे, जो उपद्रव शोध पथक जो है एकाएक जाके कार्रवाई करता और हैवी पेनल्टी लगा लेता व्यापारियों पे, अब उसमें कुछ कस्टमर ऐसे भी हो जो विदाउट मास्क आते तो ठीकरा सब व्यापारियों पे फोड़ा जाता है, उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, ये अल्टीमेटली व्यापारियों पे कहीं ना कहीं ज्यादा है इस प्रकार की का, आप 5,000 के ऊपर दंड लेने के पहले ये अधिकार सिर्फ कोर्ट को है कि उन्होंने 5,000 तक का के ऊपर का जो दंड है वो कोर्ट ही डिसाइड करता है, वो एनडीएस डिसाइड नहीं करेगा, उनका उपायुक्त डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन ये 50,000 रुपए का फाइन कर दे रहे हैं एट ए टाइम दुकानों के ऊपर, ये गलत है। व्यापारी ये नहीं चाहता कि भाई मैं फिर कोर्ट कचहरी के धक्के खाते रहूं, इसलिए वो वहां कंपाउंडिंग करके उनको सेटल डाउन होता है मैटर, अदरवाइज ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है कि इतनी बड़ा अमाउंट हम लोगों से लिया जाए। रहा सवाल कि हमारा ग्राहक अगर मास्क पहन करके नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, अगर वो रास्ते से भी मास्क नहीं पहना होगा अगर दुकान में एंट्री किया तो फिर भी हम हमारा ये दिशा निर्देश है हमारे दुकानदारों को कि आप बाहर ही बोर्ड लगा के रखो कि बिना मास्क के प्रवेश नहीं है करके,
नहीं, उसमें प्रशासन की गाइडलाइंस के अनुरूप देखा गया है कि प्रशासन ने ये कहा कि जो कस्टमर जिनके पास मास्क नहीं और विदाउट मास्क आ जाते तो व्यापारी उनका काम है कि मास्क उन्हें अवेलेबल कराए, और सेकंड थिंग उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी इतना पावर दिया है कि वो भी कार्रवाई कर सकते, तो ये कहां तक न्याय संगत है? हमारे यहाँ इसी बात का तो दुख है कि हम सब लोग व्यवस्था सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते, कार्रवाई करना है हमको, पैसा जनरेट करना है हमको, टारगेट पे लेना है लोगों को, जनता को। हाँ, और सॉफ्ट टारगेट जैसा रसगुल्ले में सबसे ज्यादा रस रहता है, सबसे ज्यादा चाशनी रहती है, तो उसी प्रकार व्यापारी वर्ग है, ये झंझट नहीं करना चाहता, वो उसको दबाया जाता है कि भाई चलो, लेकिन अब समय बदल रहा है धीरे धीरे, ये सब अब हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कई ऐसी घटनाएं होती है तो हम व्यापारी वर्ग वहां जाके, हमारा संगठन, हमारे लोग वहां जाके खड़े हो जाते हैं, हम वो कार्रवाई को रुकवाते कि तीसरे आदमी के लिए तुम हमको पनिश नहीं कर सकते। नागदेव चेंबर ऑफ कॉमर्स जो प्रीमियर संस्था जो है पर्टिकुलरली जो व्यापारियों के हित के लिए सर्वोपरि रहती है, अग्रसर रहती है, तो उनसे आप लोगों को क्या उम्मीद है? हमारा रेगुलर, मैं खुद भी नागविदर्भ चेंबर ऑफ में हूँ, कॉमर्स में हूँ, 13 लाख लोग व्यापारियों की संगठन है वो, जो इनको चलाती है, इन लोगों के लिए काम करती है, उनका काम बहुत अच्छा है, वो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं इसमें, वो किसी भी जो व्यापारी के खिलाफ आई हुई बात रहती उसके पहले उसके अगेंस्ट में कदम वो उठाते, वो सिर्फ व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए ही बना हुआ संगठन है, वो रेगुलर काम कर रहा है, और उनका जैसा दिशा निर्देश हम लोगों को रहता है हम वैसा काम करते हैं। बीच में आप लोगों ने पालक मंत्री और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को भी आप लोगों ने निवेदन दिया था, एप्लीकेशन गया था आप लोगों का, तो क्या उम्मीदें निकली? नहीं, उन्होंने बोले थे कि ये एक भाई नाम मात्र है कि हमने वो कायदे में डाले है कि 50,000 रुपए तक का फाइन लाओ, लेकिन हमारा ये उसके लिए आप व्यापारी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, हम इतना पनिश नहीं करेंगे। आज तक का भी जो मैक्सिमम फाइन है 50,000 रुपीज, वो कहीं से वसूला नहीं गया है जहाँ तक मेरी जानकारी है। उसके अलावा भी जो फाइन करा जाता, हम हमारे व्यापारी वर्ग को बोला हुआ है कि आप अपने बड़ों को अप्रोच करिए, अपने संगठन को अप्रोच करिए, हम उसको रुकाएंगे, क्योंकि इतना इतना पावर नहीं है इन लोगों के हाथ में, एनडीएस के हाथ में टेम्पररी काम करने वाले लोग हैं, इनके पास में इतना पावर नहीं है कि तुम किसी के दुकान पे जाके इस ढंग से, ब्यूरोक्रेट में इतना दम नहीं है कि किसी की दुकान बंद करवा दे जाके चार लोग खड़े हो, नहीं बिल्कुल नहीं। बीच में कुछ व्यापारी संगठन ने ये भी कहा था कि इंस्पेक्टर राज शुरू हो गया है, असल में बताया ऐसा गया है, एनडीएस जो टीम है कॉर्पोरेशन की यहाँ नागपुर में काम कर रही, इनको इनकी सैलरी निकालने की जिम्मेदारी दी गई है कि भाई तुम अपना देख लो, अपना निकाल लो, तुम जो लाओगे उसी में से हम दे देगा, जो बचेगा वो हम हमारे खजाने में डालेंगे। ये कहाँ से कैसा क्या कौन से संवैधानिक अधिकार के तहत इस तरह का काम किया गया है, मुझे भी समझ से बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वो अगर आपके लिए काम करे तो आपने पेमेंट देना चाहिए, ये नहीं कि आप क्या चाहते, सिस्टम सुधारना चाहते कि बिगाड़ना चाहते, क्या क्या उसकी क्या गारंटी है कि किसी ने 10,000 का फाइन करके लाया और उसको पीछे के दरवाजे से 10,000 नहीं लिया होगा। ये रास्तों को बंद करो, किसी और काम के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे, ये स्वच्छता दूत थे वो, और अब ये दूसरे कामों में भी लग गए हैं, तो ऐसे से नहीं होगा। आपकी सरकार से प्रशासन से क्या मांग है? हमारी मांग इतनी है कि हमको हमारे अधिकारों के तहत काम करने दिया जाए, हमारे को हमारे स्वतंत्रता से काम करने दिया जाए, हमारे पर जबरदस्ती के बंधन नहीं लगाए जाए, 9 बजे दुकान बंद करो, क्यों भाई समय कम करने से क्या कोरोना कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। समय कम करने से मेरा उल्टा कहना है कि जो जल्दी दुकान खोला उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको अवार्ड देना चाहिए कि भाई तू सुबह 6 बजे से दुकान खोल लिया, बहुत अच्छी बात है, तेरे पास भीड़ नहीं लगेगी। अगर एक सीमित समय के लिए हम कोई चीज को चालू करेंगे बंद करेंगे तो वहां भीड़ रहेगी, और हम हमारा काम जो कर रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं, हमारा प्राथमिकता है हमारे परिवार की रोजी रोटी, पेट भरने के लिए कर रहे हैं हम, हमको कोई बहुत बड़ा आदमी बनना है या बहुत बड़ी चीजों के लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा ब्रेड बटर के लिए कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू।